हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको लोहे के तवे पे डोसा बनाना बताएंगे। तो उसके लिए हमने ये एक कटोरी चावल लिया था और आधी कटोरी उड़द की दाल, ये बिना छिक्कल वाली दाल है, और इसमें हमने एक चम्मच भर के मेथी के दाने ऐड किए थे। इन्हें हमने रात में भिगो कर रखा था। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको इस तरह से हमें 5 मिनट तक फेंट लेना है और इसे हमें आधा घंटा के लिए रख देना है। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हमने आधा घंटा रखने के बाद ये देखिए पूरी तरह से फ्लफी हो गया है। अब चलिए हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तवा हमारा गर्म हो चुका है पूरी तरह से। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। इसमें हमने हल्का सा बटर लगाया है, इसे इस तरह से फैला लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैटर डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे इस तरह से फैलाएंगे। अब ये मैंने बटर लिया है, अब बटर को इस तरह से लगा देंगे हाथों की हेल्प से। साइड साइड में बटर को हमने अच्छे से लगा दिया है। अब इसे जब तक ये ऊपर से हल्का सा रेड नहीं हो जाएगा तब तक इसे नहीं पलटेंगे। अब इसमें हम आलू की स्टफिंग रख देंगे जो हमने बनाई थी। इस तरह से अब इसे धीरे धीरे पलटेंगे। ये देखिए बहुत आराम से निकल रहा है। इसे हम धीरे धीरे ही पलटेंगे। ये देखिए, इसे हमने पलट लिया है। अब इसे थोड़ी देर तक और सिकने देंगे। अब इसको इस तरह से पलट देंगे, इसे ऐसे प्रेस करते हुए सेकेंगे। अगर आप इस तरह से डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा कभी नहीं ख़राब होगा। और आप अपने घर में ज़रूरी नहीं नॉन स्टिक तवे पे बनाएं, लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा डोसा भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, बटर लगा दिया। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। ये मैं हाथों की हेल्प से ही डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा इजी रहता है। अब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए, हमने इसको भी पलट लिया है। ये भी देखो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डोसा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से आप अगर बनाएंगे लोहे के तवे पे तो आपके डोसे कभी नहीं ख़राब होंगे। ये देखिए, हल्का फुल्का तो चिपकता है बट डोसा बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए,
कुरकुरा भी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।